महिलाओं से संबंधित बहुत शिकायतें पंजाब में आ रही हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। पंजाब के वुमेन सेल में कार्य ठीक नहीं हो रहा है। पुलिस को और ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिलवा सके। ये बात पंजाब महिला आयोग की अध्यक्षता मनीषा गुलाटी ने विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। महिलाओं से संबंधित बहुत शिकायतें पंजाब में आ रही हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। पंजाब के वुमेन सेल में कार्य ठीक नहीं हो रहा है। पुलिस को और ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिला सकें। ये बात पंजाब महिला आयोग की अध्यक्षा मनीषा गुलाटी ने विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। नैना देवी में पत्रकारों के साथ अपनी बात साझा करते हुए उन्होंने कहा कि महिला आयोग में पहले 10 से 15 शिकायतें ही प्रतिदिन आती थी, तथा अब जब हमने एक्ट पढ़ा जिसमें पाया कि महिला आयोग को सिविल कोर्ट की भी बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान है, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब प्रतिदिन 150 से भी ज्यादा महिलाओं की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इतनी ज्यादा शिकायतें आने पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इसमें कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कमी है, तथा ऐसे में अब पंजाब पुलिस को इसमें मुस्तैद होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वुमेन सेल का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जबकि लोगों की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं महिला आयोग से, तथा हमें भी सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सारे अच्छे अच्छे अधिकारियों को बदलती है, तथा हम चाहते हैं कि हमारी भी कमीशन तथा एजेंसियां हैं, तथा हमसे रिपोर्ट लेकर ही सरकार इन अधिकारियों की बदलियां किया करे, तथा पंजाब सरकार ने हमारी बात मान भी ली है, इसके लिए वो पंजाब सरकार के धन्यवादी हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं, तथा कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं जो उनकी बात मानकर लॉ एंड ऑर्डर मुहैया भी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि लोगों को इन मामलों में सफर करना पड़ता है, कुछ अधिकारियों को लगता है कि उन्हें वेतन सरकार देती है, ये कार्य उनका नहीं है, परंतु हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाए, तथा ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर रखना ये पंजाब पुलिस का ही कार्य है। ऐसे में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी महिला को कोई भी परेशानी नहीं होने पाए, तभी सुधार हो पाएगा। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्षा होने पर उनका पूरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को पूरा न्याय मिल सके, बस थोड़ी जागरूक होने की आवश्यकता है, तथा आज माता नैना देवी के चरणों में हाजिरी लगाई है, माँ से प्रार्थना की है कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनका सही ढंग से निर्वाहन करवा सकूं। इस मौके पर मंदिर न्यास के अधीक्षक रामकृष्ण शर्मा ने उन्हें माँ की चुनरी प्रसाद देकर सम्मानित किया। पुलिस नू थोड़ा जा होर मुस्तैदी लेहन दी लोड़ है। वुमेन सेल विच काम ठीक नहीं हो रहा पंजाब दे जिन्ने वुमेन सेल ने, बहुत सारी लोगों की शिकायतें ने और कितने ना कितने वाजिब भी ने, ते अपा काम कर रहे हैं, सरकार का सहयोग है, टाइम टू टाइम हुण भी सरकार ने साडे कोल अपा सरकार नू लिखिया सी अपने मुख्यमंत्री नू कि जिन्नियां तुसी पुलिस दे अफसर दियां ट्रांसफर्स करदे हो इन्हां नू अच्छे अच्छे स्टेशन मिल जाते हैं, तो उन्होंने साड़ी कमीशन साड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है साड़ी कोल रिपोर्ट मंगया करो, साड़ी रिपोर्ट के बेस से इन्हां नू तुसी अच्छे स्टेशन मुहैया कराओ। सरकार ने साड़ी ये गल मान ली, तो हुण आपां अपनी रिपोर्ट बना के भेजांगे। कुछ अफसर हैगे ने जिहड़े नहीं ठीक काम कर रहे, कुछ बहुत वधिया काम कर रहे ने, मिलिया जुलिया रिएक्शन है। जिथे तक पुलिस का सवाल है, पुलिस कुछ अफसरां नू लगता है कि सरकार तो सैलरी लाने साड़ी ड्यूटी नहीं है, ओवरऑल ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।